ऑसिलोमेट्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ट्रू कैविटी पाई जाती है और जिसको लाइन किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेसोडर्म के साथ। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्टोडर्म भी मौजूद है और सेंटर के अंदर अगर हम देखें जो इनर लेयर है, एंडोडर्म भी मौजूद है और हमारे पास यहाँ पे ये सारी कैविटी भी पाई जाती है। यहाँ पे कैविटी मौजूद है और इस सारी कैविटी को हर तरफ से लाइनअप किया गया है, किसकी मदद से? मेसोडर्म की मदद से। इस सेलोम को हम ट्रू सेलोम कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलोमेट्स कहा जाता है। मेसोडर्म जो है स्प्लिट हो जाती है इनटू आउटर पेराइटल लेयर, ये जो हमारे पास बाहर वाली लेयर बनेगी इसको हम पेराइटल लेयर कहेंगे, विच अंडरलाइंस द बॉडी वॉल, और ये हमारी बॉडी वॉल यानी कि एक्टोडर्म को लाइनअप करती है। जबकि इनर लेयर जो हमारे पास मौजूद होगी इसको हम विसरल लेयर कहेंगे, इसको हमने पेराइटल का नाम दिया था और इसको हम विसरल लेयर का नाम देंगे क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल को कवर अप कर रही होती है, और ये जो हमारे पास एंडोडर्म है ये एलिमेंट्री कैनाल कहलाएगी क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने आगे जाके फर्दर डाइजेस्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट करवानी होती है। तो ये हमारे पास जो सारा सिलोम यहाँ पे मौजूद है इसलिए इसको ट्रू सिलोम कहा जाता है क्योंकि इस पूरे को लाइनअप किया गया है मेसोडर्म की मदद से। इस कैविटी को फिलअप किया जाता है फ्लूइड की मदद से जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड का नाम देते हैं। ऐसे एनिमल्स को सिलोमेट्स कहा जाता है। इनके अंदर जो गट होता है उसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है और इसके अलावा इनके अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम्स मौजूद होते हैं। न्यूरो सेंसरी सिस्टम जो है वो वेल डेवलप होता है और इसके साथ में एक्सक्यूटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तमाम सिस्टम जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं और अच्छे तरीके से पाए जाते हैं। हमारी जो हायरार्की है अगर हम उसको देखें तो हमारे पास अब बाइलेट्रा को हमने डिवाइड किया था एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स में। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको सिलोमेट्स कहा जाता है इनको हम फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। इनकी दो कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं, एक को हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं और दूसरे को ड्यूटरोस्टोम्स का नाम दिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रोटोस्टोम क्या होते हैं और ड्यूटरोस्टोम किन्हें कहा जाता है। सबसे पहले प्रोटोस्टोम्स हैं। प्रोटोसोम्स को अगर देखा जाए तो इनकी जो क्लीवेज होती है यहाँ पे जो डिवाइडिंग होती है जाइगोट की, ये स्पाइरल में होती है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि स्पाइरल क्या फॉर्म होती है। यहाँ पे हमारे पास फोर सेल्स हैं हम देख सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे हमारे पास ऐसी सेल्स की स्टेज है जहाँ पे फोर सेल स्टेज जिसे कहा जाता है कि सिर्फ फोर सेल्स, चार सेल्स यहाँ पे पाए जाते हैं और उसके बाद इन फोर सेल्स के ऊपर फोर सेल्स और डेवलप हो गए हैं जिसको हम नाम दे सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये फिफ्थ है, 6, 7 एंड 8। तो हमारे पास ये 8 सेल स्टेज है। अगर आप 8 सेल स्टेज पे इसको देखें तो हमारे पास जो नीचे सेल्स मौजूद थे और उनके ऊपर जो सेल मौजूद हैं वो थोड़े से ट्विस्ट कर गए हैं स्पायरल की फॉर्म में। स्पायरल अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक बिल्डिंग मौजूद है और इस बिल्डिंग को स्पायरल कहा जाता है। स्पायरल इसलिए कहा जाता है कि ये बिल्डिंग जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी ये ट्विस्ट करती चली जाती है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जो सेल्स होंगे वो जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो हर ऊपर वाले जो सेल्स होंगे, अपर टायर ऑफ जो सेल्स हैं, अपर ग्रुप ऑफ जो सेल्स मौजूद होगा वो नीचे जो सेल्स मौजूद हैं उनके मुकाबले में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह से इसके ऊपर जो लेयर आएगी वो थोड़ी सी मजीद ट्विस्ट कर दी जाएगी। तो इस तरह की जो क्लीवेज होती है इसको हम स्पायरल क्लीवेज का नाम देते हैं। स्पायरल क्लीवेज डिटर्मिनेट होती है। डिटर्मिनेट का क्या मतलब है? डिटर्मिनेट का मतलब ये होता है कि इसमें जो हर सेल है उसकी फेट पहले से ही सिलेक्ट कर ली जाती है। हर सेल फ्यूचर में जाके किसी खास स्ट्रक्चर या खास ऑर्गन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास 8 सेल स्टेज है वो जब बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिवीजन होती है तो नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम गैस्ट्रूला कहते हैं और इस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन का नाम दिया जाता है। हमारे पास इस स्टेज में इस एम्ब्रियो के अंदर एक पोर डेवलप होता है। ये जो हमारे पास पोर डेवलप होता है इस पोर को हम ब्लास्टोपोर का नाम देते हैं। ये ब्लास्टोपोर फ्यूचर में जाके क्या बनाएगा
ये ब्लास्टोपोर यहां से कन्वर्ट हो जाएगा और ये एराइज करेगा माउथ को। ये ब्लास्टोपोर माउथ को एराइज करेगा और इसलिए हम इनको प्रोटोस्टोम कहते हैं। स्टोम माउथ को कहा जाता है और प्रोटो का मतलब फर्स्ट होता है। यहां पे अगर हम देखें तो स्टोम जो है हम माउथ को कहते हैं और जो हमारे पास प्रोटो होता है इसका मतलब होता है फर्स्ट। कि हमारे पास जो फर्स्ट पोर बनता है वो फर्स्ट पोर किस चीज़ के अंदर डेवलप हो जाएगा, माउथ के अंदर डेवलप हो जाएगा, और जो लेटर पोर होगा ये एनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिस वजह से हम इनको प्रोटोस्टोम का नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम यही गैस्ट्रुला की स्टेज जो है इसको मैंने यहाँ पे इनलार्ज करके बना दिया है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सेंट्रल सेल्स होते हैं यहाँ पे दरमियान के अंदर जो हमारे पास सेंट्रल लेयर है इस लेयर के अंदर एक लाइन बनती है और यहाँ से सेल्स जो होते हैं इनको साइडों पे हटा दिया जाता है और दरमियान में एक गैप प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। सेल्स साइडों की तरफ जाने की वजह से इस गैप को मैं यहाँ पे शो करूँगा, एक गैप बनना शुरू हो जाता है इस तरीके से, और इस तरीके से गैप बनने के बाद यहाँ पे सिलोम बनती है। तो इस तरह से जो सिलोम बनती है जो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग की वजह से बन जाती है इसको हम स्किज़ोसिलस कहते हैं। ये स्किज़ोसिलस जो टर्मिनोलॉजी ये स्पेशली ऐसी सिलोम के लिए इस्तेमाल की जाती है जो सिलोम मेसोडर्म के सेल्स की स्प्लिटिंग की वजह से बनाई गई है, जैसा कि यहाँ पर आप इस सिलोम को क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी मेसोडर्म होती है इसको डिराइव किया जाता है ऐसे सेल से जो इंटीरियर लिप के ऊपर मौजूद होते हैं, यानी कि हमारा जो ब्लास्टोपोर है इसके इंटीरियर लिप के ऊपर जो सेल्स मौजूद होंगे वो हमारी मेसोडर्म को एराइज करेंगे। तो ये एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन था प्रोटोस्टोम के बारे में। नेक्स्ट ड्यूटरोसोम्स आ जाते हैं। ड्यूटरोसोम्स के अंदर जो क्लीवेज होती है वो रेडियल पाई जाती है। रेडियल क्लीवेज क्या होती है, अगर हम यहाँ पे फोर सेल स्टेज को देखें तो हमारे पास सेल नंबर 1 है, 2, 3 एंड 4। ये जैसे ही 8 सेल स्टेज में जाता है तो जो ऊपर वाले सेल्स होते हैं वो एग्जैक्टली टॉप पे मौजूद हैं नीचे वाले सेल्स के, इनमें किसी किस्म का कोई स्पाइरल मौजूद नहीं है जैसा कि हमने प्रोटोस्टोम्स में देखा था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास सेल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 मौजूद है और इनके ऊपर ही 5, 6, 7 एंड सेल नंबर 8 मौजूद है, और सेल नंबर 5 जो है वो एग्जैक्टली सेल नंबर 1 के ऊपर मौजूद है। इसी तरह से सेल नंबर 6 जो है वो एग्जैक्टली सेकंड सेल के ऊपर मौजूद है, सेल नंबर 7 थर्ड के, और सेल नंबर 8 जो है वो सेल नंबर 4 के एग्जैक्टली टॉप पे मौजूद है। सेकेंडली ये जो क्लीवेज है ये इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये होता है कि इनकी जो फेट है वो डिटर्मिंड नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि इनमें से कोई भी लेयर या कोई भी सेल जो है वो फ्यूचर में किसी भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और सेकेंडली जो ड्यूटरोसोम्स होते हैं अगर हम इनकी 8 सेल स्टेज पे हम किसी एक सेल को सेपरेट कर लें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये सेल नंबर 8 है इसको हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं तो ये कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी रखता है, इसके पास कम्प्लीट जेनेटिक मेकअप मौजूद होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो 8 सेल स्टेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास पोर बन रहा है इसको ब्लास्टोपोर का नाम दिया था हमने, ये ब्लास्टोपोर किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा, ये ब्लास्टोपोर एनएस की फॉर्मेशन करेगा और जो हमारे पास सेकंड पोर होगा ये माउथ बनाएगा। अगर हम नाम को देखें तो ये नाम इसी वजह से रखा गया है, स्टोम जो है हम माउथ को कहते हैं और ड्यूट्रो जो है ये सेकंड को या फिर लेटर को कहा जाता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ओपनिंग होगी वो एनएस बनाएगी और जो सेकंड ओपनिंग होगी वो माउथ को एराइज करेगी। सिलोम की बात की जाए अगर इनके अंदर सिलोम जो है वो किस तरीके से डेवलप किया जाता है तो हमारे पास जो मेसोडर्म है उसकी आउट पाउचिंग होती है, यहाँ से सेल्स जो है वो निकलना शुरू होंगे और इस तरीके से कैविटी जो है वो बनेगी जिसको हम सिलोम कहेंगे।
सिलोम जो है वो डेवलप किया जाता है बाय द आउट पाउचिंग ऑफ द आर्केंट्रॉन्स। आर्केंट्रॉन क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास जो एंडोडर्म मौजूद है इसको हम आर्केंट्रॉन कहेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर में जाके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से जो हमारे पास सिलोम बनती है, इसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसको हम एंटेरोसेलेस कहते हैं, इसको हम एंटेरोसेलेस का नाम देते हैं। ये जो कैविटी होगी ये सिलोम यहाँ से यूँ बंद हो जाएगी और यहाँ पे भी दरमियान में मेसोडर्म अपनी जगह ले लेगी। नेक्स्ट जो मेसोडर्म होती है इसको जो डेवलपिंग गट होती है उसे डेराइव किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे ये एरो छोटे से लगे हुए हैं जो शो कर रहे हैं कि हमारे पास जो मेसोडर्म है वो यहाँ से एराइज की जाएगी। अगर हम अपनी हायरार्की को एक दफ़ा दोबारा से देखें फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, तो प्रोटिस्टा एंसेस्टर्स मौजूद हैं हमारे पास, ये राइज करते हैं एनिमल्स को। सिंपल एनिमल्स हमारे पास पैराजोआ मौजूद हैं और जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको हम यूमेटाजोआ कहते हैं। यूमेटाजोआ को हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारे पास ग्रेड रेडिएटा आ जाता है और सेकेंड ग्रेड जो है हमारे पास पाइलेट्रिया का आ जाएगा। बायलेट्रिया को अगेन हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अगर उनके अंदर सिलोम मौजूद नहीं है तो उनको एसिलोमेट्स कहा जाएगा, अगर सिलोम मौजूद है लेकिन ट्रू सिलोम नहीं है तो इनको सूडोसिलोमेट्स कहते हैं, और अगर ट्रू सिलोम मौजूद है तो इसको सिलोमेट्स का नाम दिया जाता है। सिलोमेट्स को अगेन हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारे पास प्रोटोस्टोम्स आ जाते हैं जिनमें जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ बना देता है, और सेकेंड हमारे पास ड्यूट्रोस्टोम्स आ जाते हैं जिसमें जो ब्लास्टोपोर है वो एनस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।